मोहब्बती हैं लोग यहाँ के, बहुत अच्छे लोग हैं। ऐसे लोग किस्मत वालों को ही मिलते। घर तो पे सिड्डियाँ नहीं चढ़ी जाती है। नहीं कोई बात पर नहीं, उम्मीद है बाबा दर्शन कराएंगे। अरे जो यहाँ तक लाया वो ऊपर भी लेके जाएगा। जय भोले की, जय भोले। मौसम थोड़ा बिगड़ गया है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यात्रा सबकी अच्छी हो रही है। बारिश शुरू हो गई है और रास्ता बहुत स्लिपरी हो गया है इस समय। आपके मन में कैसे आया कि श्रीखंड करना है? सर मेरे मन में अपने 5 क्लास पूरे करने का 3-4 साल पहले आया। मेरे को महादेव जी से बहुत लगाव है। मेरे को महादेव जी बहुत, मतलब मैं उनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ। छोटी सी असावधानी आपकी ज़िंदगी को खतरे में डाल सकती है। हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं श्रीखंड की यात्रा पे और आज की यात्रा हमने शुरू की थी सुबह 5 बजे सोलन से हम लोग शिमला पहुंचे और शिमला से बस में हम यहां पहुंचे रामपुर से। थोड़ा पहले एक जगह पड़ती है वज़ीर बावड़ी और अब हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं देवढांग के। बहुत मोहब्बती हैं लोग यहां के, बहुत अच्छे लोग हैं। ऐसे लोग किस्मत वालों को ही मिलते। बिल्कुल, ये भोलेनाथ का अपरम अमृत है यहाँ के लोगों पे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमो नमो। ये देखिए हर हर महादेव के ना जयकारों से गूंज रहा है पूरा ये सतलुज का किनारा। ये बाबा जी हमारे साथ जा रहे हैं। कहाँ से आए बाबा जी? एमपी से आए हैं। मध्य प्रदेश। वाह, मध्य प्रदेश से आए हैं और ये भी इच्छा रखते हैं श्रीखंड महादेव की। चलिए साथ चलते हैं। ये बाबा शिमला से पैदल चल के आ रहे हैं। शिमला से पैदल चल के आए, हमको 6 दिन लग गए आने में। 6 दिन लग गए आने में? अरे भोला इंतजार कर रहा है आपका। वो हम रुके थे बीच में, कोई इधर उधर कोई खोना दे। जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की, जय भोले की। हमने कहा सारे एक साथ चलते हैं ना। ये अब हम देवढांग पहुंच चुके हैं, दर्शन करते हैं अंदर जाके और आशीर्वाद लेते हैं कि हमारी यात्रा सफल करे भगवान। यहाँ पर एक गुफा है, गुफा का बहुत छोटा एंट्रेंस है, बहुत ही छोटा, और उसमें जाते हैं सब लोग। पौराणिक कथा के अनुसार जब भस्मासुर भगवान शिव और उनके परिवार के पीछे पड़ा था तो भगवान ने यही इस गुफा में शरण ली थी। एक और मान्यता के अनुसार अगर आप श्रीखंड महादेव के दर्शन करना चाहते हैं तो इस गुफा में दर्शन करना और यहाँ से आज्ञा लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी आगे की यात्रा सुखद हो, मंगलमय हो और तभी आपकी यात्रा पूरी भी होती है। हेलो, ये सब भक्त हैं हमारे। हम बाबा के ग्रुप से ज्वाइन है। हाँ, उन्हीं की वीडियो देखकर आए हैं। से जाना है बाहर, चलो सो पत्थर के अंदर से। मोटे लोगों के इस समय मैं पहुंच चुका हूं जाऊं में और यहां से कैलाश की यात्रा जो है ये शुरू होती है। ये वेलकम गेट है यहां पे कैलाश यात्रा का और यहां चाय का भंडारा चल रहा है तो चाय पी लेते हैं। चाय पी लें? चलो चाय पी लेते हैं। आज हमने अपनी यात्रा सोलन से शुरू की थी और अब हम जाऊं पहुंच चुके हैं। कल की यात्रा श्रीखंड महादेव की यात्रा हम शुरू करेंगे सिंहगाट से रजिस्ट्रेशन के बाद। ये रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे लाइन है, सुबह 5 बजे से लोग खड़े हैं यहाँ पे। ये सब श्रीखंड जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इस समय हम गुड मॉर्निंग कह सकते हैं क्योंकि हमारा अब रजिस्ट्रेशन हो गया है और अब हम जा रहे हैं मेडिकल और रजिस्ट्रेशन। मेडिकल भी हो गया और रजिस्ट्रेशन भी हो गया। अब आगे के लिए हम सिंघाट से निकल चुके हैं, सिंघाट से निकले हैं अभी और धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाते हुए चलेंगे। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल, क्योंकि बॉटम रास्ता इसलिए आराम से जाना। हाँ सही रहेगा। लोग दिख रहे हैं पर रश बहुत ज़्यादा था इस बार।
ये हमारे घुमक्कड़ जिप्सी नीचे नीचे उतर रहे हैं और मैं भी उतर रहा हूँ। ये नदी अभी थोड़ी दूर तक हमारे साथ चलेगी। अब ये रास्ता बहुत अच्छा कर दिया है, पिछले सालों में ये रास्ता बहुत ही खराब था पर अभी इसकी कंडीशन बहुत अच्छी हो गई है। ये लोग यहाँ पे फ्रेश हो रहे हैं, ब्रश किया जा रहा है। अंदर मत जाना, अंदर मत जाना। और वो ऊपर जा रहे हैं सामान लेके। हर हर भोले की बाबा दर्शन दे दे दिए दर्शन। आप जा रहे हैं? अच्छा आप जा रहे हैं, आप इसके साथ चल रहे हैं। चलिए चलिए, जय भोले की। कहाँ से आए आप? हम जयपुर से हैं। अच्छा, और यही उम्मीद करके आए कि बाबा के दर्शन हो जाए। जरूर होंगे, घर पे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती है। नहीं कोई बात, पर उम्मीद है बाबा दर्शन कराएंगे। अरे जो यहाँ तक लाया वो ऊपर भी लेके जाएगा। जय भोले की, जय भोले। सब भोले का नाम लेके आगे बढ़ रहे हैं। ये यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे तक है, बहुत दूर लोग दिख रहे हैं ना आपको, ये सारी सीढ़ियाँ हैं। बोले बम बम बोले, छोटे छोटे स्टेप्स हैं और बहुत नीचे 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 नदी तक है। फाइनली अब यहाँ से और नीचे है। ओह माय गॉड, अब यहाँ से और नीचे है, और नीचे आश्रम है। ये भी खत्म आ गया। हाँ बोले की साथ साथ चल रहे हैं हमारे कल से। हाँ देव ढंग से ही। हाँ सब में बहुत उत्साह है इस यात्रा को लेके। जहाँ तक नज़र जा रही है यात्री यात्री हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं। नंबर हर हर महादेव। ये लोग आपको प्रेरित करते हैं यात्रा के लिए। थैंक यू, थैंक यू। मन में अगर विश्वास है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। बिल्कुल सही। क्या कहेंगे आप? जय भोले, जय भोले। भाई का भाव निराला है। महादेव हर हर महादेव, हर महादेव। ये रेस्ट किया जा रहा है। हेलो गाइस, ये यहाँ का पहाड़ी पराठा है जो हम खा रहे हैं। अच्छा और हम बहुत थक चुके हैं। सच बॉडी तो कटटी कटटी हुई है, टोपी भोजियां वाली है सट्टी। हाँ हर हर महादेव, मजे भी आ रहे हैं। लो प्रभु जी आप आ रहे हो चारों साइड का। जय भोले बाबा जी की, जय भोले। ये ढोंग की तरह ऊपर से, जय भोले की, जय भोले की, जय भोलेनाथ। ये यहाँ पहले ही पहुँच चुका है।
ये देखो ये भाई श्रीखंड से पूरा कचरा उठा के ला रहे हैं और हम लोग पूरा कचरा फैला के आते हैं। प्लीज़ आप क्या कहना चाहेंगे? बस जो अपना कचरा लेके जाएं वो साथ ले आए, अगर सभी अपना मतलब सभी अपना रोल प्ले करेंगे अच्छे से, मतलब सभी अपना खुद का कचरा, क्योंकि हम देखो फ़ोन रख सकते हैं जब जेब में, बैग रख सकते हैं, है ना, तो 40-50 ग्राम क्या ही है। वाह क्या बात है। अभी आप ऊपर देखना है ऊपर कितना कचरा है। जय बोले जय बोले। यूपी से हैं? हाँ जी। कौन सी जगह? झारखंड। उनाव। ओके। और झारखंड से आप? झारखंड। क्या बात है, कितनी दूर दूर से। हिमाचल प्रदेश। आप तो अपने घर में? हाँ अपने घर में ही है यार। अपने घर में भाई। जय बोले जय। ये मार्क किया हुआ है कि ये रास्ता जा रहा है, आप रास्ता भटक ना जाओ, इसलिए एरोज बने हुए हैं। श्रीखंड की यात्रा के लिए आप में विश्वास और पेशेंस और हौसला होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सफ़र बहुत आराम से कट जाता है। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनकी उम्र 60 से भी ऊपर है, पर वो दर्शन करके लौट भी चुके हैं और कई दर्शन के लिए ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो कभी भी निराश मत हो, भोले पे विश्वास रखो और आगे बढ़ते जाओ। इस हाइट पे अब हम आ चुके हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हमारी भी ऐसी हालत है। जय शंकर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। गणेश दोस्तों जी करूं। इस समय थकान हो गई है थोड़ी, बट अभी और ऊपर जाना है, हौसला भी बाकी है। अब हम पहुंच गए हैं थाचड़ू, और थाचड़ू में हम करेंगे लंच और फिर आगे के लिए निकलेंगे। देखते हैं कहां तक पहुंच पाएंगे आज, पर कोशिश रहेगी कि भीमद्वारी तक पहुंच पाएं, अगर पहुंच पाएंगे। सही थी, रास्ता कठिन था, बट मज़ा आ गया, सच में आनंद आ गया। क्यों? अगर आप एकदम ठीक चलने वाले हो ना आप, तो मतलब कम टाइम में पहुंच सकते हो। ये हमें 4.5 घंटे लगे यहाँ पहुंचने में। हाँ जाऊँ से यहाँ 4.5 घंटे लगे। जाऊँ से हम यहाँ पे 4.5 घंटे में पहुंच गए, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आप सच में करना चाहो और आप में हिम्मत है तो। ये हमारा भाई है और ये नेपाल से है। इधर देख भाई, इतनी प्यारी स्माइल है। और फिर शर्मानी यार, आपको यात्रा शुभ हो। ओ थैंक यू वेरी मच। और फिर आप कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ जाने हो? अभी तो हम जाएंगे श्रीखंड, जाने फिर वहाँ से हम जाएंगे सोलन। श्रीखंड जाके क्या करना को बोलते, क्या करने हो? अच्छा क्या करने हो? हाँ वहाँ जाके भगवान के दर्शन करेंगे। हाँ भंडारा चल रहा है और सभी भरपेट खाना खा रहे हैं यहाँ पे। कंपनी वाले। हाँ जी कैसा था खाना? कंपनी खाना अच्छा था। गुड। फ्रेश हो गए? एनर्जी आ गई? एनर्जी आ गई। ओके एनर्जी को एनर्जी आ गई। यस अब देखते हैं ये एनर्जी और आगे ले जाएगी। हाँ बहुत आगे तक ले जाएगी। पीछे रखना है और साइड में रखो एक साइड। और अभी हमें वो ऊपर पहाड़ी तक जाना है। ये भाई भी हमारे साथ है। जय भोले। हर हर महादेव। हाँ भाई सबकी सफल हो, सबको आनंद आए, दर्शन सबको खुले मिले। ओ भाई कितना बड़ा बैग उठाया भाई ने। साइड हो जाओ, जाने दो इनको। टेंट लेके जा रहे भाई? जय भोले जय भोले। पूरा टेंट गाइडिंग का काम करते भाई जी हम। अच्छा 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 लोकल है। ओके हमारे क्लाइंट आगे चल रहे हैं। अच्छा आपका स्टे कहाँ है? आपका भीमडौर पहुँच जाएंगे। हाँ जी मिलते हैं जी। वो ऊपर जाना है। वो ऊपर दिख भी नहीं रहा है इतना ऊपर। हाँ। जाना है अभी तो। वो जो टॉप दिख रहा है ना वहाँ तक अभी लंबी लाइन लगी है श्रद्धालुओं की। भोले महादेव 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 श्रीखंड महादेव की जय।
खंड महादेव की जय। बम बम बोले बोले काली टॉप। जय श्री खंड देव। जय श्री खंड महादेव। फाइनली काली टॉप आ गया और यहाँ से उतराई स्टार्ट हो गई। अभी एक नीचे उतरा ये बहुत लंबी, फिर चढ़ना है। जय ये काली माँ, काली माता के दर्शन कीजिए। काली टॉप से अब हम नीचे जा रहे हैं कुंचा की तरफ और वो सामने दिख रही है बहुत दूर में कुंचा, और देखते हैं कितना टाइम लगेगा हमें। ये देखिए, अरे ये हमारा भाई फिर मिल गया। जय बोले। ब्यूटीफुल लैंडस्केप। बहुत बच के चलना पड़ रहा है, रास्ता कुछ ऐसा है। ऐसा लगता है कि आप वैली ऑफ फ्लावर्स में आ गए हो। बहुत किस्म किस्म के फूल हैं यहाँ पे। हाँ बारिश शुरू हो गई है और वो ग्लेशियर पार करना था हमें अभी। अभी ये एडवाइजेबल नहीं है कि हम लोग अभी शुरू करें यात्रा, तो इस टेंट में शरण लिया हम लोगों ने। जय भोलेनाथ। हम सब बारिश से बचने के लिए यहाँ बैठे हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव की जय। सबकी यात्रा सफल हो जी, और ये से मंगल कामना करता हूँ मैं। मौसम थोड़ा बिगड़ गया है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यात्रा सबकी अच्छी हो रही है और खूब आनंद आ रहा है यात्रा के अंदर, और दर्शन भी बहुत बढ़िया हो रहे हैं। बोले आप आए सब दर्शन करें महादेव के, सबका कल्याण होगा, यही आराधना है मेरी और यही दुआ है मेरी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। बारिश शुरू हो गई है और रास्ता बहुत स्लिपरी हो गया है इस समय, और ग्लेशियर के बहुत पास है। अब हमें ग्लेशियर को क्रॉस करना है और ये अर्पित भी पैक हो गया है। ये भी ये हाथ पकड़ के ग्लेशियर पार करवाया जा रहा है। ध्यान से नीचे भी ध्यान रखना। ये अब ग्लेशियर क्रॉस कर रहा हूँ मैं। ये है पूरा ग्लेशियर, इसको, और ये अर्पित भी है साथ साथ आ रहा है। हाँ अच्छा, दोनों क्रॉस करेंगे। ये अर्पित और मैं, इधर अर्पित। आ रहा है ठीक है।
ये क्रॉस कर रहे हैं हम, इसको बड़े बचा के क्रॉस करना पड़ता है। अगर आपका पांव फिसला, जय भोले, हो गया है, एक ग्लेशियर पार हो गया है। अब इसके बाद हमें दूसरा ग्लेशियर पार करना है। बारिश रुक गई है और वो सामने वो था, क्या था वो, भीम तलाई। और ये यहाँ पे ये भी भीम तलाई का ही पार्ट है। अभी हम कुंशा की तरफ जा रहे हैं। आपकी एक छोटी सी असावधानी आपकी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती है। ये कुंशा में स्टे है, अगर आप रुकना चाहें तो बहुत फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, टेंट्स भी हैं, आप किसी भी टेंट में रुक सकते हो, कैंपिंग टेंट भी है, सब कुछ है यहाँ पे। फिर से मौसम बदल गया है, अब धूप निकल आई है और ये भीमद्वारी की तरफ बढ़ते हुए हम लोग। कैसा है अर्पित? अच्छा है बहुत, ठीक है। हाँ, चिलचिलाती धूप आ गई। हाँ, आपके मन में कैसे आया कि श्रीखंड करना है? सर, मेरे मन में अपने 5 कैलाश पूरे करने का 3-4 साल पहले आया। मेरे अच्छा। को महादेव जी से बहुत लगाव है, मेरे को महादेव जी बहुत, मतलब मैं उनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ, तो मैं हर साल 1-1 कैलाश करती आ रही हूँ। अच्छा। तो इस पर सबसे पहले मैंने किन्नौर कैलाश किया 2022 में। अच्छा। फिर 2023 में मैंने मनी महेश कैलाश किया और अब यहाँ श्रीखंड कैलाश किया। क्या बात है, भगवान आपके 2 और कैलाश जल्दी पूरे करवाए। जय शंकर। बढ़िया सर। एक एक कदम आगे रखना बहुत मुश्किल हो गया था, शरीर बहुत ज़्यादा टूट चुका था, थक चुका था, पर एक कोई कृपा थी जो आपको आगे की ओर खींच रही थी और आप निरंतर आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ से अब भीमद्वार दिख रहा है, पार्वती बाग दिख रहा है और श्रीखंड कैलाश भी दिख रहे हैं थोड़े से, पर बाबा नहीं दिख रहे। बाबा वो रहे। कौन से दिख तो रहे हैं, बाबा तो दिख रहे हैं। अच्छा, भोले बाबा, बाबा के भी दर्शन हो रहे हैं। यहीं से हमारे को श्रीखंड महादेव के दर्शन हो गए अभी और कल इनके साक्षात दर्शन करेंगे हम वहाँ पे। आज जाऊँ से जब हमने अपनी यात्रा शुरू की थी तो हमें लगा था कि हम आज शाम तक भीमद्वारी ज़रूर पहुँच जाएंगे और हुआ भी ऐसा ही। शाम ढलने को अभी काफ़ी वक्त बाकी है और हम लोग भीमद्वारी पहुँच चुके हैं। भगवान की बहुत असीम कृपा रही, उसने बहुत शक्ति दी। अब आज हम यहीं विश्राम करेंगे और कल की यात्रा श्रीखंड महादेव की शुरू करेंगे।